पिरामिड में कौन ध्यानमग्न होता है? पिरामिड मृतकों को रखने के लिए बनाए गए थे। पिरामिड मृतकों के लिए बनाए गए थे, जीवित लोगों के लिए नहीं। हाँ, अगर आप पिरामिड बनाते हैं, चाहे आप कागज का पिरामिड बनाएं, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। पिरामिड के शीर्ष पर 56 डिग्री का कोण होना चाहिए, सभी चारों कोणों पर। अगर आप ठीक 56 डिग्री कोण के साथ पिरामिड बनाएं, चाहे एक मामूली पेपर पिरामिड हो। आप एक सब्जी लीजिए, अगर ये ट्रॉपिकल वातावरण में है तो आप बहुत आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी या फल है जो आमतौर पर 3-4 दिन में सड़ जाता है, उसे लीजिए, उसे एक पेपर पिरामिड में रखिए। ये पक्का कीजिए कि कोण सही हो। उसे उसमें रखिए, उसे हफ्ते या 10 दिन तक छोड़ दीजिए। आप उसे खोलकर देखेंगे तो कोई सड़न नहीं होगी। ये मुरझा जाएगा मगर कोई सड़न नहीं होगी, क्योंकि प्राण की 5 अभिव्यक्तियां होती हैं, उनमें से एक जो व्यान कहा जाता है, व्यान प्राण। ये हैं प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये शरीर के अंदर ऊर्जा की 5 अभिव्यक्तियां हैं। व्यान शरीर की संरक्षण करने वाली प्रकृति का ध्यान रखता है। अगर आप एक पिरामिड का आकार बनाते हैं तो ये व्यान इकट्ठा हो जाता है और स्वाभाविक रूप से किसी चीज को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। आपने मम्मी के बारे में सुना होगा, उनके एपिथेलियल सेल अब भी उसी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने काफी मेहनत भी की, वो बहुत घिनौना काम है। क्या आपने सच में कोई मम्मी देखी? आप इजिप्ट गए? उन्होंने मृतकों को संरक्षित करने के लिए ढेर सारा काम किया, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ काल्पनिक विश्वास थे, मगर ये दरअसल संरक्षण के बारे में है। नहीं, मैं जानता हूं कि ढेर सारे लोग, पिरामिड सोसाइटियां भी इसे बढ़ावा दे रही हैं। आप एक पिरामिड के नीचे ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड ध्यान करने के लिए नहीं, पिरामिड मृतकों को रखने के लिए। अगर आप अपने परदादा को संरक्षित रखना चाहते हैं तो आप पिरामिड बना सकते हैं। मगर मैं कहूंगा, मरे हुओं को क्यों परेशान करना? मुर्दों को मुर्दों के लिए छोड़ दीजिए। जीवित लोगों की आपको चिंता है ना? हां, ये और आपके आसपास के बाकी लोग जो जीवित हैं, आपको उनकी चिंता होनी चाहिए, मरे हुए कि नहीं। पिरामिड मृतकों के लिए है। कुछ मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या बुलाना चाहिए। ऐसे लोग पिरामिड को एक ध्यान प्रक्रिया के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। पिरामिड का ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपको समझना होगा, ध्यान किसी तरह का काम नहीं है, ये एक तरह का गुण है। अगर आप अपने शरीर का विकास करें, अगर आप अपने मन का विकास करें, अगर आप अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को एक समझदारी के स्तर तक ले जाएं, तो ध्यान खिल उठेगा। आप उसे रोक नहीं सकते। आप कोशिश कीजिए और ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आप अपना विवेक खो देंगे और आपके दिमाग में जो है वो भी गिर जाएगा। हां, आप फूल खिलाने की कोशिश मत कीजिए, आप बागवानी करना सीखिए, फूल अपने आप खिल जाएंगे। हां, आप फूल खिलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप फूल खिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास सिर्फ प्लास्टिक के फूल रह जाएंगे, आपके पास फूल नहीं होंगे। आप बागवानी सीखिए। अगर आप अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहते हैं तो आप गुलाब के बारे में नहीं सोचते, आप मिट्टी के बारे में सोचते हैं, खाद के बारे में सोचते हैं, पानी के बारे में सोचते हैं, धूप के बारे में सोचते हैं, है ना? उसी तरह आप शरीर के बारे में सोचिए, मन की सोचिए, भावना की सोचिए, ऊर्जा की सोचिए, उसके बारे में कुछ कीजिए, आप ध्यान में चले जाएंगे।